मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने के बाद फंसे 40 मजदूरों के परिवारों को उनके सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया। बचाव का काम तेजी से चल रहा है और सभी लोग अपने जो पूरे एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो है सबको बाहर निकालना सबकी प्राथमिकता है। सारे लोग लगे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पूरे प्रकरण पर उनकी निगरानी है, उन्होंने विशेष रूप से सारी जानकारी भी ली है और हम लोगों का भी प्रयास है। सारे लोग अपने अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं सभी जो भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे संपूर्ण एफर्ट्स उनको बाहर निकालने के लिए, जल्दी से जल्दी हम उनको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। मुख्यमंत्री के भरोसे के बावजूद टनल में फंसे लोगों का अब तक रेस्क्यू ना हो पाने से लोग परेशान हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले दो मजदूर भी टनल में फंस गए हैं। सौविक पखराई और जॉयदेव प्रमाणिक के परिवार बेहद तनाव में हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो सौविक जखन आछे 200 किलोमीटर दूर है। अच्छा, लेकिन तो घटनाटा घुरेछे तात थेके। अच्छा अच्छा, ओ की धसा अटके गेछे? हां, टनलेर ভেতরেই আছে। হ্যাঁ, ভেতরে আছে। এমনি যোগাযোগ পাননি? না, যোগাযোগ পাননি। তারপর ফোনে আরেকজন ওইখানে যে উত্তরাখণ্ড আছে সে ফোন করেছিল যে সৌভিক পাখির ওইখানে কি ঠিক আছে, যে এর মাধ্যমে যে কথা হচ্ছে। আচ্ছা, বলছে হ্যাঁ সে ঠিকই আছে, সুস্থই আছে। আচ্ছা, আপনি কি চাইছেন তাহলে এখন? আমি চাই যে আমার ছেলে ভালোভাবে বাড়ি আমার ফিরে আসুক। ওখানে ধস নেমেছে হচ্ছে, মানে আটকা পড়েছে বলছে, উদ্ধারের কাজ চলছে, 4-5 ঘন্টার মধ্যে মানে ওটা উদ্ধার করে ফেলবে বলছে। মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, মেয়ে বলছে সবাই ভালোই আছে, অসুবিধা নেই। টানেল মে ফসে দোনো মজদুরো কে দোস্তো কো ভি উম্মীদ হ্যায় কি উনকি জান বচ জায়েগি। পাইপলাইন কা মাধ্যমে খানা পানি সব কুই জা রাহা হ্যায়, বাকি পাইপলাইন সে বাত ভি হো রাহা হ্যায়, আন্দর সে রেসপন্স ভি কর রাহা হ্যায়। উসি হিসাব সে অভি তক জো 50-200 ফিট তক জো গিরা থা, 150 ফিট তক, और लगभग 50 फीट तक क्लियर कर लिया। और भी 24 घंटे नहीं तो 30 घंटे का अंदर शायद ये है जो शायद रेस्क्यू कर लेगा वो लोग। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकियारा और डंडाल गांव के बीच निर्माणधीन सुरंग का एक हिस्सा रविवार तड़के ढह जाने से लगभग 40 मजदूर अंदर फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।